सारा राम राम को हमारे परिवार की तरफ से राम राम। देखो जी, पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे भाई साहब को, क्योंकि आज का जो आधुनिक युग है मोबाइल का युग है, लोग मोबाइलों में बड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, उसमें देखते रहते हैं, नींद कब आती कब जागाती पता नहीं लगता है। तो इनकी वजह से दी आपका गांव एक हफ्ता या 10 दिन एक साथ बैठे तो कोई छोटी चीज नहीं है आज के टाइम में। तो मतलब आपके गांव का जो भाईचारा उससे जुड़ने का एक अच्छा काम ये कर रहे हैं, और आपके गांव में नहीं हर गांव में ये पहल को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि पहले हम जो बैठते थे ना इस तरह से, पहले गांव में सांग ही होते थे, हम छोटे छोटे थे, याद अपने दादा दादिया नाना के साथ सांग देखने जाते थे, या तो वो कल्चर तब था या उस कल्चर को दोबारा से मोड़ के लाए भाई साहब, उसके लिए बधाई के पात्र है। तो जो जादूगर होते हैं ना, ये सच्चाई वाले जादूगर हैं, क्योंकि ये आपको आपकी आपकी संस्कृति से परिचित करवाने वाले जादूगर है ये, तो इनका बड़ा योगदान है इसमें। दूसरी बात क्या है, देखो आज का जो जमाना है ना, आपके पास फोन है, आपका पूरा परिवार बैठ के 10 मिनट साथ में मोबाइल फोन नहीं देख सकता, पता नहीं क्या आ जाए, लेकिन यह पूरा गांव बैठ के प्रोग्राम देख रहा है, तो कोई ना कोई तो खास बात है इनके प्रोग्राम में। दूसरी चीज देखो, ये भाई अपना जो हरियाणा है, इसकी कल्चर है जो, या जो सभ्यता है, बहुत पुरानी है, और जब तक हम अपनी सभ्यता से जुड़े रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। यदि किसी भी समाज ने, किसी भी परिवार ने अपनी सभ्यता से नाता मोड़ा है तो उसका पतन ही हुआ है। तो कभी भी हमें अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है बोलना सिखाते हैं, आधुनिक युग है, अच्छी बात है, लेकिन उनको राम राम बोलना भी सिखाइए आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहले जो अपने बुजुर्ग थे, भाई थे, सारे सुबह सुबह मिलते थे, बाहर घूमने जाते थे, राम राम बोलते थे, आपस में सबकी खबर होती थी, तो वो एक अच्छा कल्चर था, बहुत सोच समझ के बनाया गया था, उनके पीछे लॉजिक होता था। आज सबके सब मतलब घरों में कैद होके बैठे हैं, कोई किसी को जानता नहीं, गांव में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत है, शहरों में कोई भी नहीं जानता है। तो अपने आप को मिलनसार बनाओ, आपस में मिला करो। और आज का जो समय है ना, तनाव बहुत ज्यादा है, लोग तनाव लेते हैं, टेंशन होती है, गोलियां लेते हैं, तो कुछ नहीं जाता, इसका सिंपल इलाज है, मिलजुल के रहो, हंसो बोलो बतलाओ, हरियाणवी गाने हैं अगर पता लगे ना चलिया करो डेली, क्या दिक्कत है। तो यही चीजें हैं, मतलब जिनका समाधान डॉक्टरों के पास नहीं है, नहीं उनका समाधान आपके परिवार के बीच में, यदि आप तालमेल बना के, समन्वय बना के रखते हैं, लड़ाई झगड़े परिवार में कम करो, आपस में सुनो, यदि एक समय गुस्से में है कि गलती है तो दूसरा उस टाइम चुप रहना चाहिए, चाहे वो सास ससुर हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, तो तभी हम उसको मसले को सुलझा सकते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। और जो बच्चे हैं, देखो भाई, यदि कोई भी लड़की है, लड़कियां हैं, चाती ताऊ है या बहुएं हैं, कोई भी आगे बढ़ना चाहती है, ये नहीं कि कोई डांस के क्षेत्र में ही है, क्योंकि जो नृत्य है ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये भी एक कला है, स्पोर्ट्स में या कोई खेल में या फिर कुछ नृत्य में, किसी भी कला में यदि आगे जाना चाहती है तो उनका सहयोग किया करो। सभी फैमिली यदि सहयोग करेगी तभी अपने बच्चे आगे बैठेंगे। यदि अपने मन में हम ये धारणा ये रखेंगे ना कि लड़कियों को आगे नहीं जाने देंगे या लड़कों को आगे नहीं जाने देंगे, तो उनकी जो प्रतिभा है ना वो उनके अंदर ही दब के रह जाएगी। तो उसको उभारना भी हमने, उनको सहयोग भी हमने करना है, लेकिन जिम्मेदारी देखो जो अपने युवा बहन है, भाई है, बाहर जाते हैं, उनकी भी उड़ती है। देखो 2-3 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। आजकल पता क्या है, एक तो ये लिव इन रिलेशनशिप है, तो एक मतलब समाज के लिए कोड है, खतरा है, ये बहुत बड़ा गलत कानून है। कुछ मतलब इसके विषय में आवाजें भी उठने लगी है, कई घर इसने बर्बाद कर दिए हैं। तो 2-3 लाइनें मैंने लिखी हैं और सोच रहे हूँ आने वाले समय में इसके ऊपर पूरा गाना भी एक लिखूंगा। तो 2-3 लाइनें आपको सुनाता हूँ। तो अपनी माता बहने है, कोई भी है जो आज के समय की सच्चाई है, इसको आप सुनना, अच्छा लगे तो आप तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ाना। चली गई वाह बड़े भाई के तोड़ के हौसले में, चली गई वाह बड़े भाई के तोड़ के हौसले में, लाडो रानी उड़गी वाह बाबू वाले छोड़ के घोंसले में, लाडो रानी उड़गी वाह छोड़ के न बाबू वाले घोंसले में, बंद करो इस वेस्टर्न कल्चर के चोतले न, बंद करो इस वेस्टर्न कल्चर के चोतले न, कदे यू अपने बुजुर्गों की पगड़ी न नोत लेने, कदे यू अपने बुजुर्गों की पगड़ी न नोत लेने, मेरी लाडो रानी तो एक बार सोच लेने, तेरी एक गलती कदे तेरे माँ बाप के सीने न खरोंत लेने। तो देखो कुछ मैंने लिखने की कोशिश करी है कि इसके ऊपर मैं लिखूं भीगा, क्योंकि जो समाज की सच्चाई है ना, जो एक कवि है, एक लेखक है, जो लिखता है ना, उसका असर किसी दंड से भी ज्यादा असर करता है, किसी की समझ में आ जाती है। तो ये चीजें हैं। तो आजकल पता क्या है, देखो ये कहते कि जो हरियाणा की कल्चर है, संस्कृति, जो आज के सिंगर है, उसको बहुत ज्यादा आगे ले गए, लेके भी गए, इसमें कोई मतलब वो इत्तेफाक नहीं है, विदेशों तक हमारे जो हरियाणा के गाने बजते हैं। कुछ सिंगर अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन गाने जो पहले वाले होते थे ना वो बढ़िया थे, अब है वो भी बढ़िया हैं, लेकिन कई गाने ऐसे आ गए हैं
कि जिनका कोई तुक नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो मैं उनका असर सीधा सीधा पता क्या है, एक चीज देखो आप, पहले जो 1990 से लेके 1995 2000 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, सभी बच्चे ऐसे जिन्होंने रामायण महाभारत देखी है, तो उनके संस्कार उनके बीच में आपको मिलेंगे। तो अब जो बच्चे जो देख रहे टीवी पे नए नए सीरियल है या कार्टून है ऑटोमेटिक जो देख रहे हैं, उनके असर उनके अंदर मिलेंगे। और जो चीजें हम देखते हैं ना घर में जो घटित होती है, एक तो होती है कि कोई किसी को बताएगा शिक्षा देगा, उसका असर नहीं होता। जो हम सामने से लाइव देखेंगे, कोई घर में है गांव में कुछ भी हो रहा है, तो उसको जल्दी फॉलो करते हैं बच्चे। तो जो महाभारत है देखी है, रामायण देखी है, उसमें जो शिक्षा होती थी वो हमारे पुराने बुजुर्गों में या भाई बहनों में होती थी, उसको फॉलो करते थे। तो धीरे धीरे चलन बढ़िया नाटकों का या लेडीजों का, जो चर्चा चुगली वाला दौर था, ये यहाँ से भी टीवी से भी आया, ये तो यहाँ से भी ये आया है। तो इस तरह की चीजें हमें मतलब जो ज्यादा शिक्षा प्रति चीजें वो बच्चों को दिखानी चाहिए। रामायण महाभारत दोबारा दिखाना शुरू करो, ये कोई बहुत अच्छी चीज है ये। और जो नए नए जो जिससे मतलब सिर्फ मनोरंजन ही होता है या कोई शिक्षा नहीं मिलती, उसको आपको बंद करना चाहिए। अब जैसे गाना है एक, उसका मतलब निकालो अब क्या है। अब गाना है कि मने गुंडा मिलिया है भरतार बंदूक रखे आंटन में, अब बताओ भाई ये मतलब के सीखेंगे बालक, के सीखेंगे इस पर। तो मतलब गाने अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो मतलब बुरे छोड़ देने। अब एक सिंगर ने कह दिया उसके व्यूज आएगी, उसको तो इनकम होगी, लेकिन आपका बच्चा क्या सीख रहा है उससे। तो रोको उसी टाइम अपना, जो बड़े हैं पढ़े लिखे हैं या बुजुर्ग हैं। अब ये जो बुजुर्ग बेटे ना पुराने खिंडकाल धोती कुर्ता वाले, ये चाहे एक भी ना पढ़ रहे हो, लेकिन इनके पास जो नॉलेज है जो ज्ञान है ना, इनके बैठ के पास सीखने जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इनके पास बैठ के जो ज्ञान मिलता ना वो सीखना चाहिए। तो यही चीजें हैं। और यू जो गाना देखो, थोड़ी मजाक भी कर लिया करा, यू गाना है जो यू मन गुंडा मिले बरतार महाराया कुकर गाव है मन गुंडा मिले बरतार। तो देखो थोड़ा हरियाणा ही हो किस्मा सी, यही तो है चीजें। मतलब 7 बजे मैं आज ड्यूटी करके आया हूँ, कंपनी में काम करता हूँ, 7 बजे सीधे यहाँ आएगी, ये एक मौके मिला हमने तनाव कम करने के, स्ट्रेस कम। हर आदमी स्ट्रेस में है, कम कैसे होगा भाई, बस हंसो बोलो नाचो गाओ बोलाओ, पूरा परिवार साथ में रहेगा तो स्ट्रेस कम होगा। दिल्ली के फोन एक घुसकून में बैठ जाए तो स्ट्रेस बढ़ेगा। हर बच्चा का आंखों में चश्मे हाँ क्यों है, सबसे बड़ी वजह फोन ही है, ये फोन सबसे बड़ी वजह है। इसका यूज उतना ही करो जितना करना चाहिए। मतलब कई है जो नौकरी पेशा वाले हैं, ऑफिस में काम करते फोन करते, उनकी मजबूरी है, यो चाहे तो आज ही फोन को त्याग दे। तो एक बच्चों को इससे बचा के रखो, फोन से इतना भी ज्यादा दूर हो सके। ये कौन सा तार अपने गुंडा मिले बरतार बंदूक रख है आंटन में, पीछे पासे में इसने दिन तक कुकरगा मैंने गुंडा मिले बंदूक बरतार और संदूक रख आंटन में, तो बंदूक की दाम उसमें यूज कर लिया, संदूक यूज कर लिया। तो ये जो चीज है ना, हरियाणा है अपनी संस्कृति है, अपने ऊपर तो अंग्रेजों ने राज करे, क्यों करे वो, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को और सभ्यता को छोड़ के जो उन वाला वेस्टर्न कल्चर था उसको अपनाने लगे। ये आप कहीं भी अजमा के देख लो, यदि आपके घर आपके घर कोई बुरी बात नहीं है, मतलब ये सच्चाई है, आपके घर यदि किसी बहरा इतना लगे तो आपका घर बैठ देगा। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका घर के रूल रेगुलेशन थे आपने छोड़ दिए, उसके अनुसार चलने लग गए। तो इसीलिए कह रहे हैं कभी भी अपनी संस्कृति अब बुरी नहीं है। अब देखो बच्चे आए थे यहाँ कुछ बोल रहे थे, माई नेम इज फलाना दिखता माई मदर नेम इज, ये भाई सीधा है कि नहीं बोलो, मेरा नाम ये है, यू मेरा बाबू का नाम है, यू मेरी माँ का नाम है, यह है संस्कृति अपनी। मतलब उनको इंग्लिश की नॉलेज है वो एक अच्छी चीज है, वह इंग्लिश की नॉलेज यदि उनकी बोलनी है निकली इंग्लिश कॉम्पिटिशन है वहां बोल लो। यदि यहाँ बैठे हैं बेचारे बुजुर्ग बैठे आए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आती माई फादर नेम इज फलाना दिखलाना, वो बोले कुछ नहीं, सीधा सीधा बताओ नहीं मेरी माँ का नाम यू, बाबू का नाम यू, दादा का नाम यू है। पहला अपने तो बच्चे करते बड़े बुजुर्ग सिखाया करते के नाम तेरा यू, नाम यू बाबू का, यू दादा का, यू परदादा का, यू मरदादा का, ये किसी के याद नहीं, 7 पीढ़ी तक के नाम याद होया करते, जब हम पढ़िया करते बच्चे पढ़िया करते। क्या जिम्मेदारी कहाँ गई, अपने बुजुर्गों की थी या माँ बाप की थी, क्योंकि बुजुर्ग इस चीज को जानते हैं, तो माँ बाप है कि नई एज के या जनरेशन वो भूल गई चीजों को। तो ये चीजें हमें सिखानी चाहिए, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप बोलो तो आपका मनोरंजन करते हैं छोटी ही जन्म कविता के साथ, यदि आप कहो तो कर दें। देखो दाद को जिसने पटा करते हमने खुद ने निकाली है, एक जो सच्चाई होती है स्वीकार करनी चाहिए। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने किया उसने किया, जो अपना है वो ठीक है, जो दूसरे का उसको स्वीकार करना चाहिए। तो दाद को जिसने जो पटा कर दे, एक और बताता हूँ, मैंने दाद को जिसे ग्रेजुएशन की है, और जब हमारी शादी हुई थी 2018 में, तो ये 12वीं पास हुई थी, तो इसकी मैंने ग्रेजुएशन ही करवाई है रेगुलर। उस टाइम काफी विरोध हुआ था, बोल रहे थे कि आप बहू है इसको कहाँ भेज रहे हो रेगुलर। देखो यदि आपको किसी के ऊपर विश्वास है
और वो आपके विश्वास पे खरा उतर के आगे बढ़ना चाहता तो उसका सहयोग करना चाहिए मेरे साथ। तो लड़कियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन जिम्मेदारी देखो उनकी ही बनती है। जब माँ बाप मतलब अपनी जिम्मेदारी लेके किसी बच्चे को बाहर भेज रहे ना, और उसके बाद यदि कुछ गलत कदम उठाता है तो उस माँ बाप का नहीं, पूरे गांव का, पूरे समाज का जो नाम बदनाम होता ना, वो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। तो ये चीजें आज के जो युवा वर्ग है या लड़कियां हैं, जो लड़के उनको समझनी चाहिए। तो थुटिया शक भी तहा सुनो, मतलब आनंद लो, उसका मनोरंजन लो। और एक चीज और, ये मनोरंजन मतलब आप कभी भी कोई भी गाना यदि सुनो, उसके वर्ड गलत है, कुछ भी है, उसको सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लीजिए, उसको अपने ऊपर डालो। मतलब कोई बदमाशी के गुंडागर्दी के गाने आ गए तो अपने बच्चे क्या करें, गुंडागर्दी करने लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप करें खेती बाड़ी, जो एक्टर है वो कदे खेती बाड़ी करे हैं? कौन ही करे नहीं, लेकिन उनका काम क्या है, गाने बनाना। तो आप रीस, फिर आप उनकी रीस क्यों करा हाँ, जब वो खेती बाड़ी नहीं करते, जो आप काम करो वो नहीं करते, लेकिन उनके दो गाने सुन के आप किसी का गोली मार दिया, किसी का डाका डाल दिया, तो गलत है। तो एक चीज ये भी समझो, उनकी मजबूरी है, उन्होंने गाने बनाए दिए, व्यूज आएगा, उनकी इनकम होगी। आप उसको एक बार सुनो और कान से निकाल दो, मनोरंजन कर दिया, डीजे पर नाच के एक साइड हो, कोई उसका और मतलब ना निकालो। तो कई क्या करो, उसको मतलब अपने ऊपर ग्रहण कर ले, अच्छे गाने हैं ग्रहण करने तो करया करो, कई गाने अच्छे भी हैं उनको ग्रहण करो, उनको बिल्कुल नहीं करते। तो ये चीजें हैं। तो एक इश्क के ऊपर है छोटी या शकविता, आप सुनो, आनंद आओगे आपने भी। नहा धोके बस में बैठ लिए, पैर के पेंट खाकी, नहा धोके बस में बैठ लिए, पैर के पेंट खाकी, और इतने में बस में एक छोरी है जड़ी, खोल के अगली जाकी, और कांठ में बह की शर्ट एंगड़ी थी, न्यू लागे थी हड़ बेचे थी बरनी बेचे थी फाकी, और ऐके एक ताऊ ने न्यूली ताऊ सीट दिए, मैं बोलिया मखा भगवान मेरे दौरे वेट दे मन्ने के तेरे भाई पीट दिए। निबुली छोरे तो गणा ना बोल, छोरे तो गणा ना बोल, तेरे पर तो मेरा लाली पाउडर का खर्चा भी नहीं पाटेगा, और तो नहीं बता मन्ने कुकर डाटेगा, माई तैल साबो उबाला तेरी मौत कर देगा, और 2000 के नोटा तेरी गोद भर देगा। बंद हो लियो, मजाक करू, नोट खड़े थे किसी के दौरे को नहीं, ठीक है। तो ये क्या देखो, अब ये चीजें नहीं, ये एक मनोरंजन की दृष्टि से इन चीजों को लेना चाहिए। हम कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम भी बहुत बड़ी थी, बस कुछ लाइन नहीं आती आपको सुना दी। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप यदि एक अच्छे वक्ता बनना चाहते ना, वक्ता का मतलब समझते हो, बोलने वाला जो स्टेज पे बोलता है ना, उसको वक्ता बोलते, तो पढ़े लिखे बच्चे बैठने को पता है। तो उससे पहले आपको एक श्रोता बनना पड़ेगा, उससे पहले क्या बनना पड़ेगा, श्रोता, आपको सुनना पड़ेगा। आज यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना, पता क्यों है, वो सिर्फ एक अच्छा वक्ता है, नहीं क्वालिटी राहुल गांधी में भी कम नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़िया, वो बाहर पढ़िया, विदेशों में पढ़िया है, लेकिन वक्ता अच्छा नहीं है, श्रोता भी अच्छा नहीं है। इसलिए तो ये जो एक मंच है ना, ये MS जादूगर का जो मंच है, ये जो छोटे छोटे कलाकार हैं जो वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट रील बनाते हैं, पहली बात तो इनकी एक बड़ी अच्छी बात ये है कि उनको इनवाइट करते हैं, जो कल्चर को बचा रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र, क्योंकि कोई छोटा स्टेज नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा, यदि आपका गांव का कोई भी बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी टैलेंट किसी में भी हो सकता है, IDR एक सिंदर वाली दादी के नाम से आपने सभी ने देखी होगी, तो किस उम्र में जाके वो भी लोगों का मनोरंजन कर रही, कॉमेडी कर रही है। तो जो ये सोशल मीडिया है, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, गांव को जो काम की चीजें ना, ये जो फोन कह रहे ना बच्चों को, इससे दूर रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि कोई गलत चीज है। आज के टाइम यदि कोई मेहनती बच्चा है, सोशल मीडिया पे मेहनत करके लाखों रुपए महीने के कमा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंटेंट अच्छे देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। फेसबुक है या YouTube है, आप यदि कोई टीचर है तो अपनी वीडियो क्लास बनाओ, इसके ऊपर डालो, आपको उससे इनकम आती है। तो ये चीजें भी हैं। तो हमेशा कोई भी चीज बुरी भी नहीं होती, कोई भी चीज अच्छी भी नहीं होती, लेकिन हर चीज का अपना टाइम होता है, समय होता है, हर चीज खराब नहीं होती है। अब यदि हम देखें बंद घड़ी होती ना, तो वो भी दिन में दो बार सही समय बताती है। तो हर चीज अपने समय पे काम आती है। तो हम तो यही कहते हैं, जो भी बच्चे हैं, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और खेल में मतलब आगे बढ़ना चाहिए हमेशा ही, खेल भी जरूरी है। तो एक चुटकुले के साथ है, मैं अंत करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ले लिया आपका। तो हरियाणा है, सिम जाके चलता रहता है, ये चुटकुला लगभग हर जगह में सुनाता हूँ। तो क्या होया भाई, एक बारी एक आदमी मैं इसकी धार काटने लग गया, हर बार सुनाता हूँ मैं चुटकुला, अच्छा चुटकुला है। तो क्या होया, गांव के मतलब आदमी कोई मर रहा था, मुर्दंड है, बोले राम नाम सत्य है, राम नाम
सत्य है। तो इतना शोर शराबा सुन के मैं उसने बाल्टी का लात मारी। ये वो आदमी बोलिया नहीं बेचारा, क्यों नहीं बोलिया, क्योंकि गांव राम का काम है, बोल भी नहीं सकता। चलो बोले कोई नहीं भाई, शमशान तो रोका करता। अगला दिन 5 बजे मैं इश्कीदार काटा था और वे आदमी फिर एक मुर्दा न ठहे हुए, बोले राम नाम सत्य है, नहीं बाल्टी का राम नाम सत्य हो गया। मैं उसने मारी लात। तो उसने सोचा भाई कर भी केस का काम, राम का काम मैं कुछ कर भी नहीं सकते, देखो नहीं बोल सकता बेचारा, सबर का घूंट पी गया रह गया। तीसरा दिन बाल्टी ठाई, दार काटन लग गया, वे आदमी मुर्दा ने ठहे फिर आम, बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य नहीं बाल्टी का फेर हो गया। तो उस आदमी के उठा गुस्सा, ठहे के ने लठ पहला तो मेरा मैश कह, और फिर उन दोनों रह गए, बोले अरे मेरे ससुर हो कम से कम न्यू तो बता दो ये कोई ताजा लियाए हो, अकबर सोना ठहे फिर हो। तो देखो ये जो चीजें ना, जो हरियाणा का आदमी है शमशान में ही मजाक कर सके, मतलब मजाक करे बिना नहीं रह सकता। और जो हंसी मजाक है ना, ये शास्त्रों में भी बताया गया है, यदि आपके गुस्सा करोगे, आप गुस्सा करोगे तो आपके शरीर में कई मांसपेशियों में खिंचाव आता है, और यदि आप हंसी लाओगे अपने चेहरों पे उससे भी ज्यादा तो मांसपेशियां नहीं आपकी खुल जाती है। तो यही चीजें हैं, मतलब हंसना है, बोलना है, बुजुर्गों के पास बैठना है। तो चीजें खत्म होगी आज के टाइम में, जो चीजें खत्म हो रही है वो सबसे बड़ी चीज ये है, बुजुर्गों के पास बैठना कम कर दिया है। और लेकिन बुजुर्ग भी कुछ मतलब पहले वाले नहीं रहे, उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां आई हैं, शराब का सेवन जैसे ज्यादा हो गया है। तो ये चीजें हैं, तो ये समझना चाहिए। पहले पता क्या होता था, कोई भी नौजवान बड़े बुजुर्ग के सामने हुक्का नहीं पीता था, बीड़ी नहीं पीता था। तो अब ये चलन क्या हो गया, बुजुर्ग उनसे भरवाने लग गए, उनके साथ में पीने लग गए। तो ये तालमेल बिगड़ा, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग वो भी जिम्मेदार है। तो शर्म होया करती पहले, तो जो शर्म थी नहीं वो चली गई है। तो इस सभ्यता को संस्कृति को यदि वापिस लेना है ना, तो बुजुर्गों की जो नैतिक शिक्षा उनको ग्रहण करो, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ो लिखो परिवार को, और बुरी आदतों से बचा के रखो। आपका और आपके गांव का हमें मौका देने के लिए, बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताड़िया बजाओ भाई, इनका परिवार के लिए ताड़िया बजाओ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंकल जी मंच को मान सम्मान